मोबाइल से वेबसाइट बनाने के इस चैप्टर में हम सीखेंगे योस्ट SEO प्लगइन के फुल सेटअप के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि योस्ट SEO एक प्लगइन है जिसे वर्डप्रेस WP एडमिन पैनल के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। उसकी मदद से आसानी से गूगल में रैंक किया जा सकता है अपनी वेबसाइट को, या फिर अपने वेबसाइट पर किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड की मदद से गूगल में आसानी से रैंक किया जा सकता है, जिससे हमें अच्छा ट्रैफिक मिलता है और अच्छी अर्निंग होती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली योस्ट SEO प्लगइन को स्टेप बाई स्टेप सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर WP एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन होना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है योस्ट SEO का। आप चाहें तो प्लगइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको न्यू ऐड ना हो न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर या तो मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ से सर्च करना है योस्ट SEO, या फिर आप SEO ही लिखें तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आपको योस्ट SEO मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा। एक्टिव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पूरा सेटअप होता है। तो यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर जो बहुत ही कमाल की इसकी रेटिंग है और 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोडर हैं जो वर्तमान में इसे डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको साइड में आइकन मिल जाएगा योस्ट SEO का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आपको शो करेगी, इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको गाइड करने के लिए वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं SEO से रिलेटेड, इसे आपको ऑन ही रखना है। आप चाहें तो पढ़ के अपनी वेबसाइट के हिसाब से किसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे ही आप यहाँ पे रखें और नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी यहाँ पे फीचर्स के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रैंक करने वाले सैमरस वगैरह जो भी कीवर्ड रिसर्चिंग टूल हैं या जो डोमेन ऑथराइजेशन टूल हैं उनकी मदद से भी आप उनको भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, या कि उनकी वेबसाइट पर भी आपकी रैंकिंग शो करना चाहते हैं तो उसका आप क्या कुछ कर सकते हैं वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वेब मास्टर टूल मिल जाएगा, यहाँ से आप बेडू वेब मास्टर टूल, बिंग वेब मास्टर टूल और गूगल सर्च कंसोल यानी गूगल वेब मास्टर टूल और उसके बाद यनडेक्स वेब मास्टर टूल, आप इन सभी वेब मास्टर टूल में अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिले और ज़्यादा अर्निंग हो। सब लगभग सभी लोग गूगल वेब मास्टर में ही सबमिट करते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है। उसी प्रकार ये भी सब बायडू बिंग याहू और यनडेक्स ये सभी भी सर्च इंजन है और इसमें भी आप अपनी साइट को रैंक करेंगे तो इन सभी सर्च इंजन पर भी आपकी साइट शो करेगी, रैंक करेगी, तो आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा और अच्छी अर्निंग होगी। सो आप स्टेप बाय स्टेप इन सभी ब्लू कलर वाली लाइन पर क्लिक करके इन सभी सर्च इंजन में यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। इसके अलावा आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी साइट का एक पर्टिकुलर टैग लाइन और यहाँ से कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी एक फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आप अपनी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लगभग आप सभी को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, अदरवाइज आप अपने हिसाब से अपने ब्लॉक के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के अलावा आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनुअली आप इसे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको रिकमेंड कर रहा है ये साइट के लिए, सो आप इसे भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अनेक प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, क्योंकि सभी का ब्लॉग वेबसाइट सबका अलग अलग होता है, अलग अलग कैटेगरी का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। सो वो सभी आप अपने ब्लॉग के हिसाब से यहाँ से सेटअप करेंगे। RSS फीड भी आपको यहाँ से ज़रूर रखना है, क्योंकि जो भी लोग हमारी RSS फीड के जरिए अपने वेबसाइट पर आर्टिकल लेंगे तो वहाँ पर से हमें भी ट्रैफिक मिलेगा और एक अच्छा क्वालिटी का बैकलिंक भी हमें मिलेगा, तो इसे भी आप यहाँ से रहने दें। उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के सभी नेम दिखाई देंगे, यहाँ से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह सभी का यहाँ पर लिंक और यूज़र नेम एंटर करना है ताकि यहाँ से भी आपको लोग जा सके, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जा सके और वहाँ से भी आपको अच्छा ट्रैफिक मिल सके। तो ये सोशल का सेटअप है, योस्ट SEO सोशल का सेटअप। यहाँ पे आपको लिंक URL एंटर करना है, फेसबुक पेज का हो गया, यहाँ पर इंस्टाग्राम ट्विटर का यूज़र नेम है, उसके बाद इंस्टाग्राम का URL है, यहाँ पर माई स्पेस है, लिंकडइन है, यूट्यूब है, इसके अलावा विकिपीडिया भी है।
सो यहाँ आपको नहीं पता कि विकिपीडिया में कैसे अपने यूआरएल को एंटर करते हैं, तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है विकिपीडिया में अपनी साइट को सबमिट करना। उसके अलावा यहाँ से आप फेसबुक को एक पर्टिकुलर फोटो अपलोड कर सकते हैं, पर्टिकुलर अपना अकाउंट यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं फेसबुक का। उसके बाद और भी आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको टूल्स हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, और एलिमेटर हैं, यहाँ पर बुल्क एडिटर हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको करना है, इम्पोर्ट करना एक्सपोर्ट करना, अपने हिसाब से यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं प्रीमियम के, तो यहाँ पे प्रीमियम आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हमें फ्री में भी बहुत सारे और अच्छे खासे टूल्स और फीचर्स मिल जाते हैं योस्ट एसईओ टूल के अंदर, योस्ट एसईओ प्लगइन के अंदर। तो यहाँ से आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।